शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई आ रहे थे, उस वक्त उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक वो भूलते नहीं। शाहरुख खान जब मुंबई आए थे तो ट्रेन से उन्होंने ट्रैवल किया था। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में शाहरुख खान बैठ गए थे। उसी ट्रेन से जब शाहरुख महानगरी में एंटर हुए तो उनका वेलकम थप्पड़ की गूंज से हुई थी। तो आखिर किसने शाहरुख खान को थप्पड़ रसीदा था, आइए पूरा किस्सा जानते हैं डिटेल में। दरअसल जब शाहरुख खान दिल्ली को फाइनल गुड बाय कहकर मुंबई पहुंचे तो उनके साथ ट्रेन में ही एक बुरा इंसिडेंट हो गया। जी हाँ, और वो इंसिडेंट और कुछ नहीं बल्कि ये था कि एक महिला ने उन्हें थप्पड़ रसीद दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी हमें कैसे पता, तो जनाब इस कहानी के बारे में शाहरुख खान ने एक इवेंट पर खुद बताया था। ये किस्सा शाहरुख खान ने तब शेयर किया था जब उनसे एक सवाल किया गया था, आप दिल्ली से मुंबई आए थे तो प्लेन में आए थे या ट्रेन में। इस सवाल का शाहरुख खान ने जवाब दिया था ट्रेन से। इतना ही नहीं, शाहरुख खान ने बताया था कि जब पहली बार मुंबई आए थे तो ट्रेन में आए थे। और फिर शाहरुख ने शेयर किया वो किस्सा। शाहरुख ने ओपन अप होते हुए कहा, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि जब ट्रेन दिल्ली से चलकर मुंबई आती है तो वो लोकल ट्रेन बन जाती है। तो उस वक्त हमारे पास बर्थ था, मैं और मेरे दोस्त साथ में थे। जैसे ही वो लोकल ट्रेन बनी हमको लगा कि अभी भी ये बर्थ हमारा है। अब ऐसे में दिल्ली में तब लोकल ट्रेन नहीं चला करती थी, तो हमारी बर्थ में कुछ लोग बैठने को आए तो हमने कहा कि हटो हटो, ये हमारा बर्थ है, हमने इसका पैसा दिया है। तो एक लेडी आई तो उनको मैंने कहा आप बैठ जाएं, लेकिन आपके साथ जो है वो नहीं बैठ सकते, ये बर्थ मेरा है। उसने खींच कर मुझे एक चांटा मारा, उसने कहा मेरे साथ हैं वो भी इसमें बैठेंगे और ये तुम्हारा बर्थ नहीं है, सब बैठते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।